सभी को नमस्कार। आज हम नमक का दरोगा पाठ के लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे, जिसमें हर प्रश्न एक अंक का होगा। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, नमक के तीन पर्यायवाची बताइए। नमक के तीन पर्यायवाची हैं लवण, क्षार तथा लोन। इसके बाद प्रश्न आता है, नमक के दरोगा पाठ के लेखक का नाम क्या है। सही जवाब है, नमक के दरोगा पाठ के लेखक का नाम मुंशी प्रेमचंद जी है। तीसरा प्रश्न आता है, न्याय के दरबार में कर्मचारियों पर किसका नशा छाया हुआ था। सही उत्तर है, न्याय के दरबार में कर्मचारियों के अंदर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित आलोपी दीन न्यायालय में मुकदमा कैसे जीत गए। सही जवाब है, पंडित आलोपी दीन न्यायालय में मुकदमा अपने धन की शक्ति में जीत गए। उन्होंने सभी को खरीद लिया था। प्रश्न है, वंशीधर के लिए मजिस्ट्रेट ने क्या फैसला सुनाया। सही जवाब है, मजिस्ट्रेट ने वंशीधर को नौकरी से निकाल दिया। दो अंक वाले प्रश्नों की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इसमें पहला हमारा प्रश्न आता है, पहला प्रश्न है कि पंडित आलोपी दीन के पक्ष में फैसला आने पर वकीलों में खुशी का माहौल क्यों था। तो सही जवाब है, पंडित आलोपी दीन के पक्ष में फैसला आने पर वकीलों में खुशी का माहौल इसलिए था क्योंकि वकीलों को पंडित आलोपी दीन से पैसे मिले थे, उसने उनको पैसे दिए थे पंडित जी ने, इसलिए वो खुश थे। उसके बाद प्रश्न आता है कि वृद्ध मुंशी जी ने वंशीधर से अपनी बेटियों के लिए क्या कहा, क्या कहा था उन्होंने अपनी बेटियों के लिए। उन्होंने कहा था कि बच्चियां बड़ी हो रही हैं और ये कहा कि लड़कियां घास फूस की तरह बढ़ती ही जाती हैं। प्रश्न आता है कि लक्ष्मी जी के लिए पंडित आलोपी दीन के क्या विचार थे। पंडित आलोपी दीन को लक्ष्मी जी के ऊपर अखंड विश्वास था। पंडित जी कहते थे कि धरती के अलावा स्वर्ग में भी लक्ष्मी जी का ही राज है। प्रश्न आता है, पंडित आलोपी दीन जब वंशीधर से मिलने उसके घर आए तो वंशीधर के पिता क्या बोले। सही जवाब है, पंडित आलोपी दीन जब वंशीधर से मिलने उसके घर आए तो वंशीधर के पिता से बोले, कुल तिलक और पुरुषों की कीर्ति उज्जवल करने वाले संसार में ऐसे कितने धर्मपरायण मनुष्य हैं जो धर्म पर अपना सब कुछ अर्पण कर सकें। प्रश्न आता है, पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर को क्या प्रस्ताव दिया था और क्यों। यहाँ पर सही जवाब है, पंडित आलोपी दीन ने वंशीधर को उनकी सारी संपत्ति का प्रबंधक बनने का प्रस्ताव दिया था क्योंकि वह वंशीधर की ईमानदारी से बहुत प्रभावित थे। आज के हमारे जो संक्षिप्त प्रश्नोत्तर हैं वो यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।